नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल की और उससे संबंधित जो भी अपडेट निकल कर आई है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 जुलाई का अपडेट है और यहाँ पर COC मीटिंग से संबंधित अपडेट है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी IRP स्टेज वन में चल रहा है। IRP स्टेज वन में चलने का मतलब है कि केवल आपको मंडे ट्रेडिंग देखने को मिलती है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, मैंने बहुत पहले से इसमें आप लोगों को चेतावनी दे रहा था, आपको वार्निंग दे रहा था कि ये भैया कभी भी इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। और जब इसमें अपर सर्किट लगा था लास्ट, उससे पहले मैंने वीडियो बना के बताया था कि अब इसकी ट्रेडिंग बंद होने वाली है, आप लोग निकल जाइए जिसको निकलना है। बहुत सारे लोग फंसे हैं, मेरे चैनल पर जब वीडियोज़ पर कमेंट आते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं सच में। तो खैर, आप लोगों को अभी क्या करना है, क्या हो सकता है, उस पर हम लोग सब लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल लगाइए, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से एक्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो अपनी कैपिटल को डुबा बैठेंगे। केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह यहाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता और कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल भी नहीं होता, तो मैं न्यूज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी विकास लाइफ केयर के रिजल्ट्स, JP पावर नहीं, विकास लाइफ केयर के रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर इनके ऊपर पेनल्टी लगी है, इनके प्रमोटर्स के ऊपर, वो मैंने कवर किया है। यहाँ पर जयप्रकाश के पावर के जो रिजल्ट्स हैं, 3 इन्फोटेक और इन्फोटेक और जो भी हैं, सबके मैंने एनालिसिस किया, आप देख लेंगे, एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो सारे वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26 जुलाई को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं COC की मीटिंग हुई है और अगली मीटिंग आज है 28 जुलाई को है। यहाँ पर एडजन कर दिया गया था 28 जुलाई तक और आज 28 तारीख है, तो आज ही आपको यहाँ पर COC यानी COC समझते ही होंगे आप लोग, जो जानते हैं जिनके पास शेयर होगा उनको ये सारी चीज़ समझनी चाहिए। COC यानी कमेटी ऑफ क्रिएटर्स। कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, जिसको खरीदना था वो खरीद चुका है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसकी हियरिंग मेरे ख्याल से, मैंने जब एकदम न्यूज़ ये सब आई थी सुप्रीम कोर्ट वाली और काफ़ी पहले ही मैंने कवर किया था, लगभग 2 महीने हो गए मुझे, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर में शायद डेट है, अक्टूबर या नवंबर में, जब भी हो खैर, तो जब तक वो फाइनल नहीं होगा तब तक यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्लान इन्होंने फाइनल किया है तब तक वो भी सारी चीज़ें फाइनल नहीं होंगी। तब तक यहाँ पर शेयर जो है इसी तरीके से ऊपर नीचे चलता रहेगा, IRP की स्टेज वन में आएगा और IRP की स्टेज जीरो में आएगा। तो अभी कब रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होगी वो हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है IRP की स्टेज वन और यहाँ पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए, और मैंने बताया भी था भाई, IRP स्टेज वन में जब मंडे की वो ट्रेडिंग होगी तो पैनिक सेलिंग भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर आपको 99% केस में आपको लोअर सर्किट ही देखने को मिलता है। और वही देखिए, आपको देखिए ओपन वही लो, हाई वही लो वही, तो आपको लोअर सर्किट पे ही देखने को मिला। ये देखने से पहले एक बार ये जो इसके नंबर आने वाले हैं क्वार्टर वन के, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 30 जुलाई को यहाँ पर इनके नंबर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि नंबर से इसके शेयर्स पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर चाहे बहुत ही अच्छे हैं चाहे ख़राब हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का मैनेज, जब किसी कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट जो किस पर शिफ्ट हो जाता है, NCLT अपॉइंट करता है। जैसे NCLT ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई जिस डेट से ऑर्डर आया, उसके बाद तुरंत IRP गठित हो जाती है, IRP यानी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मोस्ट ऑफ द केस में IRP ही RP बन जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो जो कंपनी की पूरी बागडोर होती है वो यहाँ पर RP के हाथ में शिफ्ट हो जाती है। तो जो भी कुछ हो रहा होता है, करता कंपनी काम तो कंपनी के एम्प्लॉई वगैरह ही करते हैं, लेकिन जो सारा किसकी देखरेख में करते हैं, RP की देखरेख में करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के नंबर कैसे भी आए, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, कंपनी के इसके शेयर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि IRP स्टेज वन में ही है और 99% केस में मैंने बताया लोअर सर्किट ही लगेगा, 1% केस में अपर सर्किट लग भी सकता है, क्योंकि अगर अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट आए और लोग खरीदने भाग पड़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर रिटेल मुझे याद है, फ्यूचर रिटेल IRP स्टेज वन में भी अपर सर्किट लगे हैं काफ़ी सारे, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। बात करें हम लोग वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम देखिए 1 लाख का इसने वॉल्यूम जनरेट किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पर 1 लाख उससे पहले वाले में और यहाँ 1 वीक का एवरेज, क्योंकि वीकली ट्रेडिंग हो रही है तो 1 वीक का 1 लाख ही आएगा। और अब बात करते हैं हम लोग चार्ट की, तो देखिए यहाँ पर कितने जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जिन कंपनियों की इंसॉल्वेंसी चल रही होती है, यानी IRP चल रही होती है, वहाँ पर कब वो IRP स्टेज वन में आया था। जैसे ही आपको 6 अपर सर्किट दिख जाए, देखिए यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ही 6 अपर सर्किट हो जाएंगे वैसे ही आपको इसको IRP स्टेज वन में डाल दिया जाएगा। और अब वापसी में भी यही होगा जनरली, 1, 2 लोअर सर्किट हो गए, हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6, जैसे ही 6 सर्किट हो जाएंगे उसके बाद इसको IRP स्टेज जीरो में डाल दिया जाएगा और ये वापस रेगुलर ट्रेड होने लगेगा। तो अभी मान के चलिए जब हफ्ते में 1 दिन होगी और 6 सर्किट चाहिए तो 7 × 42, तो कम से कम 42 दिन तो मान के चलिए, तो 2 हफ्ते तो हो ही गए, तो अभी मान के चलिए 1 महीना मोटा मोटा आपके पास, अभी तब 1 महीने बाद ये मान के चलिए इसकी रेगुलर ट्रेडिंग शुरू होगी, ठीक है गाइज़।
तो अब यहाँ पर जो लोग प्रॉफिट में भी होंगे, जिन्होंने यहाँ यहाँ कहीं खरीदा होगा इस जगह पे, जो प्रॉफिट में भी होंगे वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, मैं थ्रू अपना फर्स्ट वीडियो ऑन रिलायंस कैपिटल मैं आप सभी को गाइड करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, मैं अपनी सलाह देता रहा हूँ कि भैया इससे नए लोग बिल्कुल दूर रहिए। जो लोग प्रॉफिट में बुक करके निकल जाइए, जिनका हाँ बहुत ज़्यादा मतलब लॉस है, जिनका 70-80% लॉस है, बहुत कई सालों से ले रखा, ऊपर ले रखा है, नहीं निकल पाए हैं, वो होल्ड करिए। उनके पास होल्ड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। कभी कभार लेट हो जाता है, बात अलग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं आप जानते ही हैं कि वीडियोज़ आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।